तो गाइस एक 15-16 साल का लड़की वाकई में उनके चैनल पर एक ऐसी दिमाग लगाया है जो दूसरे का वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड करके उनका चैनल एक मंथ में मिलियन सब्सक्राइबर कर लिया है। उनका चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है और उनके पर वीडियो पर करोड़ों करके व्यूज़ भी आते हैं, जो कि दूसरे का वीडियो डाउनलोड करते हैं और उनके चैनल पर अपलोड करते हैं, सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। और उनका चैनल इतना तेज़ी से ग्रो हो रहा है, क्या ही बताऊं। तो गाइस आप भी ये काम कर सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को कॉपी पेस्ट करने का एक ऐसी चैनल आइडियाज़ देने वाला हूं। अगर आप ये चैनल को क्रिएट करते हैं तो भाई आपको वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वीडियो को डाउनलोड करना है। कहाँ से डाउनलोड करना है? यूट्यूब से ही वीडियो को डाउनलोड करना है और उसको थोड़ा बहुत एडिट करना है और अपने चैनल पर अपलोड करना है, और आपका चैनल एक मंथ में ग्रो हो जाएगा, मिलियन सब्सक्राइबर आ जाएगा और पर वीडियो पर करोड़ों करके व्यूज़ आएगा और आपका चैनल 100% मोनेटाइजेशन भी होगा, कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम वगैरह नहीं आएगा। जो कि मैं सबसे पहले उस लड़की का आपको चैनल दिखाऊंगा, ठीक है, जो इस तरह का काम कर रहा है, उनके वीडियो पर कितना व्यूज आता है और कब वो अपना चैनल को क्रिएट किया था, क्या वीडियोज़ को अपलोड करता है और किस तरीके से वो काम करते हैं, कहाँ से वीडियोज़ को उठाते हैं, सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए लकी साबित हो सकता है। चलिए गाइस ज़्यादा बातें मत करते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को उनका चैनल दिखाता हूँ। चैनल का नाम है वोकल कैंडी। सब्सक्राइबर कितने हैं? 7,11,000 सब्सक्राइबर है। वीडियोज़ कितने अपलोड किया है? सिर्फ 48 वीडियोज़ का अपलोड किया है। अब मैं अबाउट सेक्शन पर क्लिक करता हूँ और उनका चैनल दिखाता हूँ कि ये चैनल कब क्रिएट किया है। तो आप देख सकते हैं गाइस ये चैनल क्रिएट किया है 4 दिसंबर 2022 और आज है 3 जनवरी 2023, यानी कि एक मंथ हुआ है ये चैनल को क्रिएट किया हुआ, ठीक है ना। और एक मंथ में इतना ग्रोथ हासिल कर लिया है ये चैनल। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर ये क्या वीडियोज़ को अपलोड करते हैं और इनके पर वीडियो पर व्यूज़ कितने आते हैं। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट पर क्लिक करता हूँ। ये ज़्यादातर शॉर्ट वीडियोज़ ही अपलोड करते हैं, लॉन्ग वीडियो इनके चैनल पर नहीं है, ठीक है। और आप देख सकते हैं उनके पर वीडियो पर अच्छा खासा व्यूज़ देखने को मिलता है। पॉपुलर ऑप्शन पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं उनके जो पॉपुलर वीडियो है वो करोड़ों में व्यूज़ आई है। देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर जो वीडियो है वो 1.2 करोड़ व्यूज़ है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी सारे वीडियो है वो लाखों में व्यूज़ है, करोड़ों में व्यूज़ है। ये क्या वीडियोस अपलोड करते हैं? आप देख सकते हैं ये कॉपी पेस्ट वीडियोस अपलोड करते हैं, दूसरे का वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड करते हैं और उस पर थोड़ा बहुत वॉइस ओवर कर देते हैं और ये शॉर्ट में अपलोड करते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट इनका ज़्यादा वायरल होता है और अच्छा खासा व्यूज़ इनके मिलता है। और चलो मैं एक शॉर्ट पर क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आखिर ये कैसा शॉर्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिए। तो गाइस आपने तो देख लिया जो कि इस तरह का वीडियोस बनाते हैं, ठीक है ना। और ये खुद का इसका वीडियो नहीं है, ये खुद ये वीडियो को क्रिएट नहीं करता है, ये किसी चैनल से इस वीडियो को डाउनलोड करता है, थोड़ा बहुत एडिट करता है और वॉइस ओवर करके अपने चैनल पर अपलोड करता है। जो कि इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा कि इस तरह का वीडियो आपको कौन से चैनल से लेना है और उसको कैसे एडिटिंग करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ, ठीक है। तो आप भी गाइस इस तरह का काम कर सकते हैं, इस तरह का वीडियोस बना सकते हैं, अपने चैनल पर अपलोड करके पैसे अर्निंग कर सकते हैं। और अभी तो गाइस इनका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है, बट मोनेटाइजेशन हो जाएगा। बहुत लोग कमेंट करते रहते हैं कि भाई अगर हम दूसरे का वीडियो डाउनलोड करके उस पर वॉइस ओवर करेंगे तो हमारे चैनल मोनेटाइजेशन होगा या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये भी सेम काम करते हैं, दूसरे का वीडियो डाउनलोड करते हैं और उनके चैनल पर अपलोड करते हैं और उस पर वॉइस ओवर करते हैं, तो ये शॉर्ट में करते हैं। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको तो पता होगा कि यूट्यूब ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि 2023 में फरवरी में जो है शॉर्ट मोनेटाइजेशन हो जाएगा, जो लोग शॉर्ट वीडियोज़ बनाते हैं उनका चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगा। तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्ट वीडियो बनाकर भी पैसे अर्निंग कर सकते हैं। अब मैं गाइस आपको दिखाता हूँ कि अगर ये चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगा तो पर मंथ ये इस तरह का वीडियोस अपलोड करके यूट्यूब से कितना कमाएगा। तो चलो वो भी मैं कैलकुलेशन करके रखे हैं, तो चलो वो दिखा देता हूँ आपको। ये चैनल
अगर मोनेटाइजेशन हो जाएगा और इस तरह का व्यूज आएगा पर वीडियो पर, तो इसका जो रेवेन्यू बनेगा वो $17,000 बनेगा, ठीक है ना। $17,000 जो है अर्निंग कर सकते हैं यूट्यूब से इस तरह के वीडियोस अपलोड करके, ठीक है ना गाइस। तो आप भी गाइस कर सकते हैं। चलो अब मैं दिखा देता हूँ कि इस तरह का वीडियोस आप कैसे बनाओगे, वो भी मोबाइल फ़ोन की मदद से। जो मैंने आपको चैनल दिखाया है वो चैनल बंगाली में है, यानी कि बंगाली में वो वीडियोज़ को बनाता है। तो बंगाली में वीडियो बनाकर भी वो चैनल एक मंथ में मिलियन सब्सक्राइबर कर लिया है, मतलब मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हुआ है, 7 लाख सब्सक्राइबर हुआ है, बट मिलियन होने में देर नहीं है। वो 15 दिन में ही उनके चैनल पर मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएगा, ये गारंटी है। अब 15 दिन बाद आप चैनल को एक बार सर्च करके देख लीजिए, ठीक है, मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है ना। तो बंगाली वीडियो बनाकर भी वो एक मंथ में चैनल ग्रो कर लिया है, तो सोचो अगर आप हिंदी में बनाओगे तो आपका चैनल कितना तेज़ी से ग्रो होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये चैनल को क्रिएट कर सकते हैं और इस तरह का वीडियो सब बना सकते हैं, ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। अब गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह का वीडियो आप कैसे बनाओगे, कहाँ से वीडियो को डाउनलोड करना है, कैसे एडिट करना है ताकि आपके वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम वगैरह ना आए, और कैसे वॉइस ओवर करना है, सब कुछ मैं इस वीडियो पर आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो को आपको पूरा देखना है, तो चलिए देखते रहिए। इस तरह का वीडियोज़ बनाने के लिए सबसे पहले आपको यूट्यूब पर आना है, और यूट्यूब पर आने के बाद गाइस यहाँ से आपको वीडियो को डाउनलोड करना है, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले सर्च बॉक्स पर आपको सर्च करना है ब्रेन ASMR, ठीक है, ये आपको लिखना है ब्रेन ASMR। उसके बाद गाइस ये चैनल आ जाएगा, तो इस चैनल से भी आप वीडियोस को उठा सकते हैं। ये जो चैनल है, ये चैनल उसी टाइप के वीडियोस अपलोड करते हैं, और इनके पर वीडियो पर मिलियन करोड़ करके व्यूज़ भी आते हैं, ठीक है ना गाइस। तो इस चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको और भी सारे चैनल मिल जाएगा, इस चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं रेनबो ASMR, ठीक है ना, इस चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हेलिंग साउल ASMR, इस चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे आपको चैनल मिल जाएगा और बहुत सारे आपको वीडियोस भी मिलेगा, जो कि कंटेंट बना बना कर आप थक जाओगे, फिर भी आपको कंटेंट की कमी नहीं होगी, ठीक है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे चैनल है इस तरह का, और इस तरह का वीडियोस पर मिलियन करोड़ों करके व्यूज़ भी आते हैं। तो यहाँ से आप जो है वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप एडिट कैसे करोगे, तो चलो वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस एडिट करने के लिए आपको काइनमास्टर पर आना है, ठीक है। काइनमास्टर को आप ओपन कर लीजिए। उसके बाद गाइस आपको काइनमास्टर को ओपन करना है। काइनमास्टर ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद 9:16 रेशियो को सिलेक्ट करके आपको क्रिएट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड क्रिएट वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस जो वीडियो को आपने यूट्यूब से डाउनलोड किया है उस वीडियो को आपको यहाँ पर इनपुट कर लेना होगा। एंड इनपुट करने के बाद गाइस ये जो वीडियो है वो देखो 3 मिनट का वीडियो है, 3:54 का वीडियो है। अब आपको यहाँ पर 1 मिनट करना होगा, ठीक है। आप चाहे तो 30 सेकंड भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, मेन जो वीडियो का पॉइंट है वो आपको लेना है, बाकी आपको ट्रिम कर देना है, ज़्यादा आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब गाइस आपको करना क्या है, वीडियो पर क्लिक करना है और पेन जूम ऑप्शन पर क्लिक करना है, और दोनों पोजीशन को इक्वल ऑप्शन पर क्लिक करके थोड़ा जूम कर लेना है कुछ इस तरीके से। एंड जूम करने के बाद इसका जो साउंड है वो आपको म्यूट कर देना है। अब गाइस आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, इस वीडियो में क्या दिखा रहा है वो ही जस्ट आपको ध्यान से देखकर एक्सप्लेन करना होगा। जो कि आप देख सकते हैं एक लड़की सोफा में यहाँ पर सोए हुए है, और उसके पास कुछ खाना है, उस खाना में कुछ कीड़ा वगैरह चला आते हैं और वो कान के अंदर चला जाते हैं। कुछ दिन बाद उनके कान में बहुत दर्द होता है, तब वो डॉक्टर के पास आते हैं और डॉक्टर उसके कान को ट्रीटमेंट करता है। पहले वो कान में जितनी भी सारी गंदगी है वो साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद एक चिमटा की मदद से कान में फंसे हुए कीड़े को वो निकाल देते हैं। इस तरीके से गाइस आपको बुनना है और 1 मिनट का आपको वीडियो बना लेना होगा। अब ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो चलो गाइस जल्दी से एडिटिंग करके वॉइस ओवर करके उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि आपको आगे करना क्या होगा। सो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर वॉइस ओवर कर दिया है, तो आपको भी इस तरीके से वॉइस ओवर कर लेना होगा। अब आपको करना क्या है, वॉइस ओवर करने के बाद आपको वॉइस जो रिकॉर्ड किया है उस पर आपको क्लिक करना है, मतलब उस लेयर पर आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको मिक्सर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसका जो ऑटो वॉल्यूम लेवल है वो आपको 200 कर देना होगा, एंड इसको ऑन कर देना है। गाइस आपको एडिटिंग कर लेना है, ठीक है। एडिटिंग कैसे करोगे, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपने बोला है, ठीक है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक बोला है, यहाँ से आपने कुछ नहीं बोला, तो यहाँ से आपको कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ तक आपको लेना है, बाकी इसे आपको कट कर देना है, और वॉइस को भी आपको कुछ इस तरीके से कट कर देना होगा, ठीक है।
जहाँ जहाँ आप बोलते समय रुक गए हैं उसको आपको यहाँ से कट कर लेना है कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा एडिटिंग। इस तरीके से वॉइस को यहाँ पर आपको ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ से भी आपको कट करना है, एंड मेनमेंट जो पॉइंट है वो आपको लेना होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो इस तरीके से आपको लेना होगा, ठीक है। चलो, तो गाइस हमने यहाँ पर वॉइस ओवर कर लिया है, सारे एडिटिंग भी कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा दिया है। और ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है गाइस, इस बैकग्राउंड म्यूजिक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इस बैकग्राउंड म्यूजिक को डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक है, और इसको लगाने से आपका जो वीडियो है वो और भी धांसू बन जाते हैं, ठीक है। और इस बैकग्राउंड म्यूजिक को लगाने के बाद आपके वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो इस तरीके से गाइस आपको एडिटिंग कर लेना होगा, और एक मिनट का आपको वीडियो बना लेना है। मेरा जो वीडियो का लेंथ है वो 47 सेकंड का है, तो आपको भी कुछ इसी तरीके से बना लेना होगा। आपको लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर टेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखना है कुछ यूनिक सा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि कान में फंसे हुए कीड़े को कैसे निकाला जाता है, जस्ट मैं यही लिख देता हूँ। तो आपको भी कुछ इसी तरीके से सोच समझ कर लिखना होगा, ताकि कोई व्यूअर्स अगर आपका टाइटल को पढ़ता है तो वो वीडियो देखने के लिए मजबूर हो जाए, ऐसा आपको टाइटल लगाना है, ठीक है। तो चलो हम लिख देते हैं यहाँ से जल्दी से। तो ये लिखने के बाद गाइस आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर फॉन्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से अच्छा से फॉन्ट आपको सिलेक्ट करना होगा। फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद इस फॉन्ट को छोटा करना है, छोटा करने के बाद वीडियो को ऊपर में आपको लगा देना होगा। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा कलर, इस कलर को आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ से आप जो भी कलर देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, मैं यहाँ पर ब्लैक देता हूँ। आपको नीचे आना है, फिर बैकग्राउंड कलर ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसको इनेबल करना है, और कलर वाला ऑप्शन पर जाकर ये जो कलर है गाइस वो आपको येलो कलर सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। ये कलर काफ़ी अच्छा लगता है। सिलेक्ट करने के बाद इसको आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद कुछ इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद इसको घींच कर आप फुल वीडियो पर लगा दीजिए, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर कुछ स्टाइली भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये कुछ इस तरीके से गाइस आपको लिख लेना होगा। आप देख सकते हैं मेरा जो वीडियो है वो एकदम पूरी तरीके से रेडी हो चुका है गाइस। तो इसी तरीके से आपको भी कर लेना होगा, आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, ठीक है। आप गाइस आपको एक बार मैं प्ले करके दिखाना चाहूँगा जो मैंने वीडियो बनाया है वो कैसा हुआ है, ठीक है। तो आपको भी कुछ इसी तरीके से बना लेना होगा। तो चलिए एक बार प्ले करके देख लेते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। एक लड़की सोफे में सोकर कुछ खा रहे होते हैं, तभी अचानक एक कीड़ा चुपके से उसके कान के अंदर चला जाता है। कुछ दिन बाद उसका कान बहुत दर्द करने लगता है, तभी वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसके कान को देखकर ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले एक चिमटा लेकर उसके कान में जितनी भी सारी गंदगी है वो साफ करने लगते हैं। उसके बाद एक लेंस की मदद से कान में फंसे हुए कीड़ा को देखते हैं, और एक चिमटा की मदद से कान में जितनी भी सारी गंदगी है वो एक एक करके साफ करने लगते हैं। एंड फाइनली सारे गंदगी को साफ करने के बाद एक चिमटा की मदद से कान में फंसे हुए कीड़े को वो बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। एंड उसके बाद वो पानी स्प्रे करते हैं, एंड पानी से जितने भी सारे छोटे छोटे कीड़े हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। एंड फाइनली उसके कान से इतना बड़ा एक कीड़ा निकल आते हैं, एंड कान में जो घाव है उसको साफ करके वो उस पर दवाई लगा देते हैं, और कुछ दिन बाद उसका कान पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। तो इस तरीके से बनने के बाद गाइस आप अपने चैनल पर इसे अपलोड कर सकते हैं, आपका चैनल 100% मोनिटाइजेशन होगा, आपके वीडियो पर मिलियन करोड़ करके व्यूज आएगा, कोई भी कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक वगैरह नहीं आएगा, ठीक है, आपका चैनल 100% मोनिटाइजेशन होगा, ये मेरा गारंटी है। तो यहीं तक गाइस आज का वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।